सोमवार को लोहरदगा जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, साथ ही धारा 144 लागू कर दिया है। बता दें कि रविवार को रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी की घटना हुई थी, जिसके बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात की गई है। जिन गांवों में धारा 144 लगा गया है उसमें कुर्से, हिरही और कुजरा गांव शामिल है। इस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक साथ जमा होने पर मनाही की गई है। इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा घातक हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। गौरतलब है कि रविवार को सदर थाना क्षेत्र के हिरही गांव में रामनवमी जुलूस में पथराव की घटना के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। हिंसा आसपास के गांव भड़क गई थी। उपद्रवियों ने दर्जन भर वाहनों को फूंक डाला था। सदर थाना क्षेत्र के भूखता बगीचा में रामनवमी मेला में एक समुदाय के लोगों ने पथराव की घटना के बाद आग लगा दी थी। बता दें कि मेला स्थल पर 10 मोटरसाइकिल, 3 ठेला, 1 टेम्पो, 4 साइकिल और कई दुकानों में आग लगा दी गई थी। इस घटना में लाखों रुपए की क्षति हुई है। प्रतिशोध की कार्रवाई में दूसरे पक्ष के लोगों ने भोक्ता बगीचा के समीप 2 अलग अलग घरों में आग लगा दी थी। लोहरदगा जिला और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर कैंप कर रहे थे और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।